देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, ट्रांसपोर्टर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जहां पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं आज हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट पर व्यापार एसोसिएशन के लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि आज जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, इससे ट्रांसपोर्टरों का कारोबार बहुत ही प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का कारोबार ट्रकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, इससे सारा ट्रांसपोर्ट कारोबार प्रभावित हुआ है। लोग अपने ट्रकों को खड़े करने के लिए मजबूर हो गए। इसी के विरोध में आज उन्होंने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। हम सब समस्त ट्रांसपोर्ट व्यवसायी इस टाइम इतने इस बीमारी से झेल रहे हैं कि करके डीजल के दाम, टैक्सों में, हर चीज़ में सरकार ने मतलब बेइंतहा वृद्धि कर दी है। कोरोना की मार पहले ही हम झेल चुके हैं। किसी तरीके से बिजनेस को अपने उसमें ट्रैक में ला रहे थे, अब डीजल ने एक महीने के अंदर 10 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बढ़ चुका है। मतलब व्यापारी की, ट्रांसपोर्ट व्यापारी की कमर बिल्कुल टूटी हुई है। वो आखिर मतलब ये हालात हो गई है उनकी, वो कहीं सुसाइड ना कर लें, अपने बिजनेस को बंद करके कहाँ जाएं, उनके लिए एक बड़ी भारी कि कम से कम डीजल पेट्रोल के दामों में वो मतलब इस तरीके से ट्रैफिक या किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, देखते रहते हैं। हम अमूमन ट्रांसपोर्ट नगर में देखते हैं बाहर चलान, ट्रकों के चलान करे जा रहे हैं, हर तरीके से जो चलान हो रहे हैं, मतलब वो हालांकि डीजीपी साहब ने कहा था फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।